हाय गाइस, वेलकम बैक गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेन टू पाकिस्तान के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, और उसमें हमने डिस्कस किया था इसके मेन मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। जैसे कि हमने जग्गा के या जगत सिंह के बारे में पढ़ा, और हुकुम सिंह के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा बहुत सारे और कैरेक्टर्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज के लेक्चर में हम इस नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि खुशवंत सिंह के द्वारा रिटन है, इसके समरी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समरी ऑफ द नॉवेल इज बेस्ड ऑन द मेन कैरेक्टर मनु माजरा। जैसा कि मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज मनु माजरा, तो मनु माजरा एक विलेज है जो कि कहाँ है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर। तो आगे वही लिखा हुआ भी है, द फिक्शनल विलेज ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया एंड इज नोन फॉर इट्स रेलवे स्टेशन। और ये फेमस इसलिए था बिकॉज देयर वॉज अ रेलवे स्टेशन। तो ये जो नॉवेल है ये मेनली एक विलेज है उसके ऊपर बेस्ड है, और उस विलेज का नाम है मनु माजरा, एंड दैट इज सिचुएटेड, जो कहाँ पे स्थित है, ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और दिस विलेज इज फेमस बिकॉज देयर वॉज ए रेलवे स्टेशन। द स्टोरी बिगेंस विद द रॉबरी एंड मर्डर ऑफ लाला रामलाल, द ओनली हिंदू फैमिली इन द टाउन। और ये स्टोरी कब स्टार्ट होती है या नॉवेल कब स्टार्ट होता है, जब नॉवेल स्टार्ट होता है तो हमें ये देखने को मिलता है कि लाला रामलाल, जो कि एकमात्र हिंदू फैमिली है उस गांव की, उसका मर्डर हो गया और उसके यहाँ रॉबरी हो गई है। द मर्डरर्स वर द गैंग ऑफ माली। और उसका मर्डर करने वाला कौन था, जो मल्ली गैंग, मैंने आपको बताया था दो गैंग हैं, एक जुग्गा जिसको हम जगत सिंह भी कहते हैं, और दूसरी साइड में मल्ली। जो मल्ली का गैंग है उसने उसका मर्डर किया था, लेकिन मल्ली के गैंग वालों ने षड्यंत्र रच करके जुग्गा के गैंग वालों को फंसा दिया। इसी वजह से जुग्गा एंड इकबाल, जो एक दिल्ली से एजुकेटेड पर्सन आया था वहाँ पे लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही थी उसके बारे में, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसके आरोप में, लाला रामलाल के मर्डर के आरोप में। तो जुग्गा एंड इकबाल दे बोथ वर अरेस्टेड फॉर द मर्डर दैट दे डिड नॉट कमिट। जो मर्डर उन्होंने किया नहीं उसके लिए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। व्हेन दे रिलीज्ड फ्रॉम द जेल, लेकिन आगे चल के उनको जेल से रिलीज कर दिया जाता है, और जब उनको रिलीज किया जाता है तो पता चलता है कि एक गैंग है या एक ग्रुप है लोगों का, जो कि प्लानिंग कर रहा है कि अटैक करेगा किसके ऊपर, ट्रेन के ऊपर, जो कि मनु माजरा गांव से मुस्लिम लोगों को लेकर के पाकिस्तान की तरफ जा रही है। और उन सारे पैसेंजर को, जो मुस्लिम पैसेंजर हैं उस ट्रेन में, उनको वो लोग क्या कर देंगे, मर्डर कर देंगे या किल कर देंगे। एक्चुअली बच्चों ये है, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया तो जो मुसलमान भारत में रह रहे थे उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती किया गया, उनके ऊपर फोर्स डाला गया कि आप पाकिस्तान चले जाओ, और जो पाकिस्तान वाले एरिया में जो हिंदुस्तान के लोग थे या जो हिंदू लोग थे, सिख लोग थे, उनको फोर्स किया गया कि तुम हिंदुस्तान चले जाओ। और इसी क्रम में जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान एक ट्रेन आती है हिंदुस्तानियों को लेकर के, हिंदुओं को लेकर, सिखों को लेकर के, तो उस ट्रेन को देखने पर ऐसा लगता है कि इस ट्रेन में बैठे लोगों के ऊपर पेट्रोल डाल के या ट्रेन पर पेट्रोल डाल करके उनको जिंदा जला दिया गया हो, मतलब जली हुई लाशों के साथ वो ट्रेन वापस आती है। और जो नदी बह रही है उसमें भी हिंदुओं के, सिखों के लाश मिले,
तो ये सारी चीज़ें देख करके जो इंडियन हिंदू थे और जो मुस्लिम और सिख थे, वो लोग क्या हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। और उन लोगों ने भी प्लान बनाया कि वो लोग क्या करेंगे, जो ट्रेन हिंदुस्तान से मुस्लिमों को लेके पाकिस्तान जाएगा उसके ऊपर अटैक करेंगे और उन लोगों को मार देंगे। यही प्लानिंग चल रही होती है और इसी टाइम में वो लोग रिलीज होते हैं या छोड़ दिए जाते हैं जेल से, कौन, जुग्गा और इकबाल। आगे देखते हैं। और जब उन लोगों को पता चलता है ट्रेन जा रही है, तो उस समय जुग्गा थोड़ा दुखी हो जाता है। दुखी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो नूरन, नूरन मैंने आपको बताया था, उस गांव का जो काजी था उसकी पुत्री थी, उसकी बेटी थी नूरन, वो उसकी लवर थी। मतलब जग्गा उससे प्रेम करता था, वो भी उससे प्रेम करती थी। और उसे ये पता चला कि मुस्लिमों को उसका गांव छोड़ के जाना पड़ेगा, तो वो दुखी था कि नूरन को भी जाना पड़ेगा। तो सैडली नूरन हु इज जग्गाज लवर इज ऑल्सो ऑन द ट्रेन। उसको पता चलता है कि उस ट्रेन में कौन है, नूरन भी है, जिस ट्रेन के ऊपर हिंदू अटैक करने वाले हैं या सिख अटैक करने वाले हैं, जिस ट्रेन के पैसेंजर्स को लोग मारने वाले हैं, उस ट्रेन में उसकी बिलेवेड, उसकी प्रेमिका नूरन भी है। नाइदर द मजिस्ट्रेट नॉर द पुलिस आर एबल टू स्टेम द राइजिंग टाइड ऑफ वायलेंस। ना तो उस गांव का या उस एरिया का जो मजिस्ट्रेट था, ना ही पुलिस इस बात में सक्षम थी कि वो रोक सके ये जो विद्रोह उत्पन्न हो रहा था। मतलब पुलिस को, वहाँ के मजिस्ट्रेट को, वहाँ के गैंग के प्लानिंग के बारे में पता चल जाता है कि एक गैंग है जो पूरी प्लान बनाए बैठा है कि वो ट्रेन के ऊपर अटैक करेगा और मुस्लिमों को मारेगा। वो लोग चाहते तो हैं कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन वो लोग उसको रोक नहीं सकते थे। दे ईच हैड इंटेंशन टू सेव द ट्रेन, दो दे वर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इट इज कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स। वो लोग जानते थे कि वो चाहते तो थे कि उस ट्रेन के लोगों की जान बचाई जाए, ऐसी घटना ना हो, लेकिन उनको ये भी पता था कि इस कार में या इस स्टेप में उनकी जान का खतरा है, उनको जान से हाथ धोना पड़ेगा। इकबाल वॉज द पर्सन हु फाइट्स विद हिज ओन थॉट्स वेदर ही शुड डू समथिंग और नॉट। इकबाल ऐसा व्यक्ति था जो बिल्कुल दुविधा में पड़ा हुआ था, कंफ्यूज था कि वो कुछ करे या ना करे। जबकि दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, जग्गा सेक्रीफाइजेज हिज लाइफ टू सेव द ट्रेन टू पाकिस्तान, सेव द ट्रेन। एक्चुअली क्या होता है, इकबाल और जग्गा को इसीलिए पुलिस रिलीज कर देती है क्योंकि पुलिस को पता है कि जग्गा की लवर है नूरन, और नूरन उस ट्रेन में है, और जग्गा उस ट्रेन के लोगों की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसको नूरन की जान बचानी है। इसलिए उन्होंने उसको रिलीज कर दिया या जेल खाने से छोड़ दिया। और जग्गा को पता चल जाता है कि लोगों ने षड्यंत्र बना रखा है कि जब ट्रेन ब्रिज के नीचे से निकलेगी तो ब्रिज के दोनों साइड की तरफ से रस्सी बांध दी जाएगी, जिससे ट्रेन के ऊपर जो बैठे लोग हैं वो रस्सी में फंस करके नीचे गिर जाएंगे, और ट्रेन में जब नीचे गिर जाएंगे तो ट्रेन में घुस करके और ट्रेन में जो लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उनको मर्डर कर देंगे या मार देंगे उनको। ऐसी प्लानिंग जग्गा को पता चल जाती है। जग्गा अपनी जान की परवाह किए बगैर वो नूरन को बचाने के लिए भागता है ब्रिज की तरफ, और ट्रेन इधर से स्टार्ट हो जाती है, और जग्गा जो है उस रस्सी को एक साइड से चाकू से काटना स्टार्ट कर देता है, और इतने में ट्रेन वहाँ तक पहुँच जाती है और जग्गा रस्सी को काटते हुए, कुछ रेशे ही बच रहे थे उस रस्सी के, कुछ धागे बच रहे थे, इतने में ट्रेन वहाँ पहुँच जाती है और जग्गा उस ट्रेन के चपेट में आकर के मर जाता है। मतलब ट्रेन के नीचे आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन वो अपनी डेथ के साथ ही, अपने जीवन को खोने के साथ ही उस ट्रेन में लगे बैठे लोगों की लाइफ को सेव कर लेता है, यानी नूरन को भी सेव कर लेता है।
तो द ट्रेन टू पाकिस्तान शोज हाउ थीम्स ऑफ लव एंड रिलीजन कॉजेज मैनकाइंड टू डू अनथिंकेबल थिंग्स दैट इंक्लूड हार्ट ब्रेकिंग एक्शंस। ये जो नॉवेल है ट्रेन टू पाकिस्तान शोज, ये क्या दिखलाता है? थीम ऑफ लव एंड रिलीजन, लव और रिलीजन के थीम को फोकस करता है। ये भी बताता है कि इन दोनों चीज़ों में पढ़ करके, मतलब लव और रिलीजन में पढ़ करके, किस प्रकार से व्यक्ति उस कार्य को भी कर देता है जो अनथिंकेबल होता है, अनथिंकेबल जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसे कार्य को कर देता है और ऐसे एक्शंस को करता है, ऐसे एक्टिविटी कर देता है या ऐसा रोल प्ले कर देता है जो कि हार्ट ब्रेकिंग होता है। तो ये जो नॉवेल है ये थीम ऑफ लव और रिलीजन के ऊपर बेस्ड है और इसमें ये बताया गया है कि लोग लव और रिलीजन में आकर के असंभव कार्य को भी संभव करने के लिए तत्पर हो जाते हैं या कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। द पीपल ऑफ द विलेज वर थ्रोन इन टू अ सिस्टम वेयर द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम रिलीजियस एंड पोलिटिकल बिलीफ्स। उस गांव के लोगों को बांट दिया गया, उन लोगों के ऊपर थोप दिया गया या उन लोगों के जीवन को एक सिस्टम के अंदर बांध दिया गया और वो सिस्टम किस पे बेस्ड था? कास्ट पे, कास्ट सिस्टम रिलीजन एंड पॉलिटिकल बिलीफ्स। मतलब वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोगों के जीवन को इन चीज़ों के अंदर बांध दिया गया। किन चीज़ों के अंदर? कास्ट सिस्टम, जातिवाद, धर्म और राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक भावनाओं के बीच में बांध दिया गया। मतलब उनके अंदर की जो मोरालिटी, उनके अंदर का जो अपनापन था, वो सारी चीज़ें खो गई और वो लोग कास्टिसिज्म पे आ गए, रिलीजियस थिंकिंग में रहने लग गए और पॉलिटिकल पार्टी अपनाने लग गए। द बॉन्ड बिटवीन सिख जुग्गा एंड द मुस्लिम शोज दैट पीपल कैन चूज टू बी डिफरेंट, लव एग्जिस्ट इन एवरी रिलीजन एंड लव हैज़ नो लैंग्वेज बट द लैंग्वेज ऑफ लव ओनली। जो एक रिलेशन इसमें दिखाया गया, जो एक रिलेशन किसके बीच में? जुग्गा जो कि एक सिख है और नूरन जो कि एक मुस्लिम है, ये जो रिलेशन है ना, वो हमें ये दिखाता है कि पीपल जो है उस गांव के डिफरेंट लोगों को भी चूज कर सकते थे। मतलब उस गांव में इतनी आज़ादी थी कि वो एक दूसरे को, डिफरेंट लोगों को भी चूज कर सकते थे। और ये भी दिखलाता है उनका रिलेशन, हमें ये भी दिखलाता है कि प्रेम हर एक धर्म का आधार या हर एक धर्म में पाया जाता है। प्रेम चाहे हिंदू में हो, हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर एक धर्म में प्रेम होता है और प्रेम की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, प्रेम की लैंग्वेज केवल प्रेम ही होती है। ऑल ऑफ देम कुड हैव प्रिवेंटेड द ट्रेजडी, जितने भी वहाँ लोग थे वो लोग इस ट्रेजडी को रोक सकते थे या मतलब ये जो घटना होने वाली थी इसको रोक सकते थे। बट इट वुड हैव कॉस्ट देम देयर लाइव्स, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? उनको अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ती। जबकि सभी लोग ऐसा नहीं चाहते या सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी ज़िंदगी गंवा करके दूसरों की ज़िंदगी बचाएं, क्योंकि इतने ग्रेट पर्सन्स नहीं होते हैं। सम अवॉइड सम ओवर थिंग्स एंड ओनली वन डज द राइट थिंग विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। और जब ऐसी कोई बात आ जाती है कि अपनी ज़िंदगी गंवा करके, अपनी जान पे खेल करके दूसरों की जान बचाना हो, तो उसमें से हमारे लोगों में से कुछ लोग क्या करते हैं? अवॉइड कर देते हैं, मतलब उस चीज़ को ध्यान ही नहीं देते, अवॉइड मार देते हैं। दूसरी साइड में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उस पर केवल सोच विचार करते हैं, लेकिन वहीं पे कोई एक दो ऐसा होता है वो राइट थिंग कर देता है, मतलब जो उपयुक्त है। जैसे जुग्गा अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाने के लिए वो कूद गया, अपनी जान गंवा दिया विदाउट एनी थिंकिंग, बिना किसी सोच के। तो ऐसे कुछ लोग ही मिलते हैं जो अपनी जान को गंवा देते हैं लोगों की जान बचाने के लिए। तो बच्चों ये इस नॉवेल का, ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया, इसकी समरी थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि ये समरी क्या है और किससे रिलेटेड है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, यहाँ पे अपना नॉवेल भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए
गुड बाय, थैंक यू।